नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर अपन फिजिकल साइंसेस जेआरएफ की बात करने वाले हैं। यानी दोस्तों ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो फिजिकल साइंसेस जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों अगर अपन जेआरएफ की बात करें तो दोस्तों ये जेआरएफ का एग्ज़ाम है। जब अपनी एग्रीकल्चर से बीएससी हो जाती है तो बीएससी के बाद में जो आईसीआर है ये एमएससी में यानी मास्टर डिग्री के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम कराती है, जिसको जेआरएफ यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप का एग्जाम करवाती है। और दोस्तों इसके अंदर अपन आज मेनली फिजिकल साइंस की बात करने वाले हैं। दोस्तों अगर अपन फिजिकल साइंस की बात करें तो दोस्तों फिजिकल साइंस है, इसके अंदर 5 सब्जेक्ट आते हैं। अगर फर्स्ट बात करें तो फर्स्ट सोयल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सेकेंड एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी, एग्रीकल्चरल फिजिक्स, एग्रीकल्चरल केमिकल एंड एनवायरमेंटल साइंस। यानी ये फिजिकल साइंस है, 5 सब्जेक्ट है ये कवर करती है। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं कि अब कौन कौन सी बुक्स है जो अपन को जेआरएफ फिजिकल साइंस है जेआरएफ क्रैक करने के लिए कौन कौन सी बुक्स अपने लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों इन बुक्स की अपन क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगर दोस्तों अपन सबसे पहले बात करें तो सबसे जो फर्स्ट या अपन कह सकते हैं जो स्टूडेंट्स के बीच बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर बुक है वो है दोस्तों इंट्रोडक्टरी सोयल साइंस, जो डीके दास यानी दिलीप कुमार दास के द्वारा राइट की गई है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स है। अगर आप फिजिकल साइंस जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं तो दोस्तों ये बुक आपको पूरी पढ़नी चाहिए, और सबसे पहले ये बुक पढ़नी चाहिए क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा मैटर है वो कवर हो चुका है। अगर आप ये बुक पढ़ लेते हैं तो अपने अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं जो भी कर रहा हूँ ये बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरा बहुत सारा सिलेबस है ये भी कवर हो गया है। यानी अपन एक तरीके से ये कह सकते हैं ये एक बेसिक बुक है, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों सेकंड बात करें, सेकंड बुक आती है फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस। दोस्तों ये फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस है, ये IEEE द्वारा निकाली गई है यानी इंडियन सोसाइटी ऑफ सोयल साइंस द्वारा। और दोस्तों इसी का जो एक नया एडिशन है जो ICAR ने भी रिलीज किया उसका नाम है सोयल साइंस एंड इंट्रोडक्शन। दोस्तों फंडामेंटल ऑफ सोयल साइंस एंड इंट्रोडक्शन जो IEEE द्वारा निकाली गई है, दोस्तों ये बुक दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन दोनों ही बुक्स की अगर अपन बात करें तो दोस्तों ये दोनों बुक जेआरएफ, एसआरएफ, एआरएस या सोयल साइंस से रिलेटेड जो भी अदर कम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उन सबका लगभग सिलेबस ये दोनों बुक अकेली क्या करती है, कवर करती है। यानी मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि आपको ये दोनों IEEE है ये आपको पढ़नी चाहिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें, नेक्स्ट सोयल साइंस की बुक आती है टेक्स्ट बुक ऑफ सोयल साइंस बाई टी डी विश्वास एंड एस के मुखर्जी द्वारा। ये बुक भी बहुत दोस्तों बहुत ही छोटी बुक आती है, लेकिन दोस्तों इस बुक की एक एक लाइन है ये बहुत ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बुक आपको पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों ये अपने सब्जेक्टिव बुक होगी, ये 3-4 बुक है मैंने आपको बताई है। इसके साथ दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ ऑब्जेक्टिव बुक्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव बुक्स के अंदर दोस्तों आती है ऑब्जेक्टिव सोयल साइंस बाई टी रमेश, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम सेकेंड ऑब्जेक्टिव बुक्स की बात करें तो सेकेंड ऑब्जेक्टिव बुक आती है सोयल साइंस एट ए ग्लैंस बाई जेआर महाजन, ठीक है। ये दोनों बुक्स दोस्तों बहुत अच्छी है, ठीक है। इनमें दोस्तों अगर ऑब्जेक्टिव सोयल साइंस की बात करें तो ये लगभग सारे के सारे टॉपिक्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो कवर करती है, ठीक है। ये दो बुक ऑब्जेक्टिव होगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप और भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या और भी ऑब्जेक्टिव बुक पढ़ना चाहते हैं तो एक सोयल साइंस की ऑब्जेक्टिव बुक आती है एग्री फैक्ट्स सोयल साइंस, ठीक है, साईं प्रसाद के द्वारा। ये भी एक अच्छी बुक है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने पास सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बुक्स हैं, इन दोनों की अपन क्या कर चुके हैं, बात कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए कम टाइम है, ठीक है, यानी एग्जाम आने वाला है और आप बहुत ही कम टाइम में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना चाहते हैं तो इसके लिए कौन सी बुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसकी भी मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, बात कर लेता हूँ। तो दोस्तों अगर पास मेरे पास टाइम कम है, अपन को कम समय में बहुत ज़्यादा सिलेबस कवर करना है, या अपन ये कह सकते हैं अपन को क्विक रिविजन करना है, ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों दो बुक्स आती है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यानी बहुत ज़्यादा सिलेबस है वो कवर करती है। एक तो दोस्तों है सोयल साइंस स्ट्रेटाइज एंड ग्लिम्स ऑफ सोयल साइंस, यानी सोयल साइंस स्ट्रेटाइज एंड ग्लिम्स ऑफ सोयल साइंस, ये दोनों ही बुक्स है, ये इटेला सत्यनारायण द्वारा लिखी गई है। दोनों बुक्स दोस्तों सोयल साइंस के लिए बहुत ही अच्छी बुक्स है, इन्होंने सोल्ट के अंदर बहुत अच्छा मैटर है ये इन बुक्स के अंदर क्या किया है उनको प्रोवाइड करवाया है। दोस्तों ये जो ट्रेटाइज ऑफ सोयल साइंस है ये अपनी जो IEEE है, डीके दास है, इनकी एक तरीके से समरी है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बुक्स है, ये उनको देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर अपन जनरल एग्रीकल्चर की बात करें तो जनरल एग्रीकल्चर में दोस्तों एक तो आती है एक कम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर बाई नेमरा सुंदा एंड फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर बाय अरुण कात्यान। दोस्तों जनरल एग्रीकल्चर के लिए ये दोनों बुक्स है ये अपने लिए क्या है,
सफिशियंट है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपनी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी, लेकिन दोस्तों आपको लगता है कि मेरे पास और भी टाइम है, मैं और भी बुक्स पढ़ सकता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको एक दो बुक्स है उनके और आपको नाम बताता हूँ। तो दोस्तों एक तो होती है टेक्स्ट बुक ऑफ पेडोलॉजी बाय जेस सेगल, एंड दोस्तों नेक्स्ट अगर अपन बात करें एक टेक्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स बाय ए किस्सा, नेक्स्ट अगर दोस्तों बात करें फर्टिलाइजर ए टेक्स्ट बुक बाय रंजन कुमार भसक, एंड नेचर एंड प्रॉपर्टी ऑफ सोइल बाय एन सी ब्रेडी, ठीक है। तो दोस्तों ये बुक्स हैं आपको जीआरएफ क्रैक करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो दोस्तों अपन ने जीआरएफ फिजिकल साइंस क्रैक करने के लिए कौन कौन सी बुक्स है ये इंपॉर्टेंट रहेगी, इनके लिए अपन ने क्या कर ली है बात कर ली है, ठीक है। अब दोस्तों मैंने आपको हेल्पफुल बुक्स इनके बारे में बता दिया है। दोस्तों अब कठिन परिश्रम है, हार्ड वर्किंग है, ये आपको करना है, क्योंकि दोस्तों हार्ड वर्किंग है इसका अन्य कोई मुकाबला नहीं होता है, ठीक है। दोस्तों आपको आपकी मंजिल जरूर मिलेगी, आप अपना जीआरएफ एग्जाम है ये एक अच्छी रैंक के साथ जरूर फाइट कर पाएंगे इसी के साथ। धन्यवाद, थैंक यू।